उत्तर प्रदेश सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जनपद में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 506 हो जाने के बाद जनपद के जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने इटावा जनपद में नाइट कर्फ्यू को प्रभावी रूप से लागू करने के आदेश जारी किए। जनपद में 30 अप्रैल तक के लिए सभी इंटरमीडिएट तक के कॉलेजों को बंद करने का भी आदेश है, लेकिन जहां भी प्रैक्टिकली परीक्षा चल रही होंगी वहां परीक्षा यथावत संपन्न करवाने के बाद शिक्षण संस्थान बंद होंगे। नाइट कर्फ्यू में किसी भी व्यक्ति या वाहन का रात्रि आवागमन निषेध रहेगा। हालांकि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर आने जाने वालों को बाधित नहीं किया जाएगा। हाँ, आप लोग जैसे अवगत ही हैं कि इसमें कोरोना का जो सेकेंड वेव है बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। शासन के जैसे निर्देश हैं कि अगर 500 से अधिक कोरोना मरीज किसी जिले में हो जाते हैं तो वहाँ पर निषेधाज्ञा लागू की जाती है। आज CMO की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी महोदय ने रात्रि निषेधाज्ञा लागू की है कि रात्रि 9 बजे से लेकर के 6 बजे तक जरूरी सेवाओं के अतिरिक्त लोगों को बाहर निकलने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। और सभी नागरिकों से अपेक्षा कि वह इसका अनुपालन करें, साथ ही अपने एवं अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें, प्रशासन का सहयोग करें, कोविड गाइडलाइन का पालन करें और जिले को स्वस्थ और बेहतर बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। सर, क्या ये कब तक के लिए रहेगा? अभी तक के 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा और आगे की परिस्थितियां जैसा जिलाधिकारी महोदय और जैसा शासन के निर्देश होंगे। क्या सर, इसमें मेडिकल जैसे सुना है और ये बाकी के जैसे कोई पेशेंट है इसमें और कुछ लोग को छूट रहेंगे? हाँ, जैसा कि बताया, मैंने पहले भी आपको बताया कि आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने, रात्रिकालीन शिफ्ट के सरकारी अर्ध सरकारी कार्मिक, आवश्यक वस्तुओं सेवाओं को इसमें छूट प्रदान की।